भारत पाकिस्तान के बीच अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की बात आती है तो परमाणु बम का जिक्र जरूर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर परमाणु बम हमला कैसे किया जाता है और किसके आदेश पर परमाणु बम छोड़ने का फैसला लिया जाता है? परमाणु हमले का आदेश कौन दे सकता है? पास ही एक स्मार्ट कोड होता है। परमाणु बम को दागने का असली बटन तो परमाणु कमांड की सबसे निचली कड़ी या टीम के पास होता है, जिसे वाकई में ये मिसाइल दागनी होती है। ये भी सच है कि भारत में परमाणु हमला करने के लिए निर्णय सिर्फ प्रधानमंत्री के पास होता है। हालांकि प्रधानमंत्री अकेले निर्णय नहीं ले सकता, उसे परिस्थितियों के अनुसार अपनी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से राय लेकर ही परमाणु हमला करने का निर्णय ले सकता है। परमाणु हमला करने की पूरी प्रक्रिया क्या है? पहला चरण, परमाणु ब्रीफकेस। प्रधानमंत्री के साथ हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड चलता है, जिसके पास एक ब्रीफकेस जैसा बॉक्स होता है। इसे परमाणु ब्रीफकेस कहा जाता है। इसका वजन लगभग 20 किलो होता है। इसमें कंप्यूटर और रेडियो ट्रांसमिशन उपकरण आदि सामान होता है और ये बुलेट प्रूफ भी होता है। इस ब्रीफकेस में उन ठिकानों की जानकारी होती है जहां पर परमाणु हमला करना होता है। अभी तक लगभग 5000 ठिकानों की पहचान की जा चुकी है और समय समय पर इनकी समीक्षा करके इसमें नए ठिकानों को जोड़ दिया जाता है। दूसरा चरण, स्मार्ट कोड। प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड होता है। ये कोड परमाणु हमला करने के लिए वेरिफिकेशन कोड के रूप में परमाणु कमांड को भेजा जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के पास ही ये अधिकार होता है कि वो इस कोड का नाम अपने मन मुताबिक रख सके। तीसरा चरण, दो अन्य सेफ कोड। प्रधानमंत्री के स्मार्ट कोड के अलावा दो और भी कोड होते हैं जो कि लॉकअप में बंद होते हैं और वो कहाँ रखे होते हैं इन्हें हर कोई नहीं जानता। सेना में परमाणु बैटरी यूनिट वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर के साथ दो अन्य अधिकारी होते हैं। इनके पास अलग अलग लॉकअप होते हैं, इन्हें सेफ कोड कहते हैं। ये सेफ कहाँ रखे गए हैं इसका पता सिर्फ कुछ ही ऑफिसर्स को होता है। इन सेफ को रखने की जगह को समय समय पर बदल दिया जाता है। चौथा चरण, मैच कोड या परमाणु हमले की तैयारी। प्रधानमंत्री का स्मार्ट कोड मिलने के बाद कमांडिंग ऑफिसर दोनों साथी अधिकारी को ये कोड बताता है, जो अपने अपने सेफ कोड खोलकर उसका मिलान करते हैं। अगर तीनों कोड सही पाए जाते हैं तो परमाणु हमला कर दिया जाता है। क्या प्रधानमंत्री का स्मार्ट कोड मिलने के तुरंत बाद ही हमला हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हवाई हमले के लिए लड़ाकू विमानों को तैयार करना या थल सेना, बैटरियों और नौसेना द्वारा मिसाइलों को दागने की तैयारी में 35 से 40 मिनट तक का समय लग सकता है। अब आपको पता चल गया होगा कि किसी देश पर परमाणु हमला सिर्फ चुटकी बजाते नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अधिकारियों के साथ सामंजस्य बढ़ाया जाता है और तकनीकी तैयारी भी करनी होती है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको परमाणु बम के बारे में ये जानकारी कैसी लगी। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।